वाइड वी और आज हम उस प्रॉब्लम के ऊपर बात करने वाले हैं जो मैंने होनोर के कई डिवाइस में देखी हुई है और EMUI 10 के अपडेट के बाद में ये प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ गई है और मैंने EMUI 10 का अच्छे से रिव्यू करा हुआ है और जाके जरूर देखिए। और ये प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है बिकॉज ये कम रैम वालों फ़ोन में ज़्यादा देखी गई है और मेरे जैसे के लिए खासकर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बिकॉज मुझे अपना काम जल्दी करने की आदत है, ये थोड़ी सी हर्डल्स का काम करती है उसमें। मैंने ये प्रॉब्लम होनोर के भी डिवाइस में देखी हुई है और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी उसमें ये प्रॉब्लम मैंने मेंशन करी थी तो मेरे एक व्यूवर ने इसे सॉल्व कर दी है, मतलब उसे कमेंट करके मुझे बताया और मैंने उसकी जो बात को फॉलो किया। तो ये प्रॉब्लम मैं आपको बोल कर नहीं करके दिखाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले नीचे दिया गए सब्सक्राइब बटन को जल्दी से प्रेस कर दे और बेल आइकन भी दबा दे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जब भी अच्छा कंटेंट टेक कंटेंट प्रोड्यूस करो तो आप उसे मिस करें। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। सो गाइस ये है मेरे पास मेरा फोन और पेन लाइट और मैं आपको अब दिखाता हूँ क्या है वो प्रॉब्लम। तो गाइस आपने देखी है ये प्रॉब्लम और ये है मल्टीटास्किंग की प्रॉब्लम। मेरा जो फ़ोन है होनोर 10 लाइट उसमें प्रोसेसर और रैम इनफ है 6-7 ऐप्स को मैनेज करने के लिए और रैम का काम ही होता है ऐप्स को मैनेज करना। आई होप आपके माइंड में क्लियरिटी आई होगी और माइंड का नेचर होता है कि उसे देखी हुई चीज़ें ज़्यादा समझ में आती और इसे आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते। और जैसा मैंने कहा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे एक व्यूवर अमित झा ने किया है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज एंड थैंक यू फॉर गिविंग दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन। और अमित भाई ने काफ़ी सिंपल स्टेप बताए और अगेन मैं आपको बोल करके नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि माइंड का नेचर होता है कि उसे देखी हुई चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है, जैसे कि मैंने कहा। सो गाइस मैं अब आ गया हूँ मेरी स्क्रीन पे और अब मैं जाऊँगा सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद में मैं डिस्प्ले और ब्राइटनेस पे जाने के बाद में आपको जाना है स्क्रीन रिजोल्यूशन पे और स्क्रीन रिजोल्यूशन खोलने के बाद में आपको स्मार्ट रेजोल्यूशन को बंद करके HD प्लस पे करना है, फुल HD से हटा के। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है वो तो मुझे नहीं मालूम पर इससे काम बन गया था और फिर एक बार मैं बूस्ट करूँगा और देन मैं इसको रिबूट कर दूँगा। रिबूट करने से एक फ्रेश मोबाइल मिलेगा मुझे, तो मैं ये पावर बटन दबाता हूँ और रीस्टार्ट। तो मोबाइल स्टार्ट हो रहा है तो मिलते हैं हम आगे। तो अब मैं आपको फाइनल डेमो दिखाता हूँ और ये मैंने व्हाट्सअप खोला। अब मैं जाऊँगा फैमिली मेम्बर्स पे, मैंने डायरेक्ट बाहर कर दिया। ट्विटर खोला, ट्विटर पे मैंने एक हाँ चलो ये वाला मैं देखता हूँ। देन मैंने इंस्टा खोला मेरे होम पेज पे और फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में आईडी है। और देन मैं यूट्यूब खोलता हूँ, चलो एक वीडियो चलाते हैं, कौन सी चलाऊँ ये अभी तो मन नहीं हो रहा, चलो बाद में चलाएंगे। तो अब मैं खोलूँगा क्रोम, क्रोम पे मैं सर्च करूँगा द नीरज YDV, आप भी सर्च कर सकते हो और आपको सारा मतलब इन्फॉर्मेशन मेरी मिल जाएगी।
ट्विटर से लेके इंस्टाग्राम वगैरह सब। और अब मैं आपको रैम मैनेजमेंट दिखाता हूँ। देखिए जहाँ पर छोड़ा था सब कुछ वहाँ पर ही है, और ये फाइनली बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो गाइस आपने देखा इम्प्रूवमेंट, तो आपको भी बस खाली अपनी सेटिंग को फुल HD से हटाकर HD+ में करना है। मैं जानता हूँ थोड़ी सी क्वालिटी लो होगी पर इतना मालूम नहीं चलता है, और फिर आप देखना मैजिक परफॉर्मेंस में मैजिक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कैच यू गाइस लेट प्लीज।